हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बालकनी गार्डन। आज मैं आपको अपने बालकनी गार्डन में अपने अडेनियम के पौधे की देखरेख के बारे में बता रही हूँ। ये अडेनियम का पौधा बहुत ही खूबसूरत है। इनके कॉर्डेक्स आप देख सकते हैं कितने हैवी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। इसका भी है, सारे हमारे अडेनियम के कॉर्डेक्स बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। अडेनियम को सर्दियों में जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो अडेनियम की कटिंग करनी चाहिए। मैं इसमें जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में कटिंग करती हूँ। और जो ब्रांचेस काटते हैं हम, उसमें फंगीसाइड लगा देना चाहिए। फंगीसाइड लगाने से फंगस लगने का डर नहीं रहता है, और जो ब्रांचेस काटी हैं उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। ब्रांचेस को 5 से 6 दिन के लिए धूप में रख देना चाहिए। फूडनिंग के समय लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद प्लांट में फिर पूरा फूलों से भर जाएगा। इसमें अडेनियम के बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। अडेनियम लगाने के लिए बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर पॉट बहुत बड़ा होगा तो इसके जो रूट्स होंगी वो नीचे नीचे फैलती रहेंगी, कॉर्डेक्स बड़ा नहीं हो पाएगा। इसको मैंने 10 इंच के गमले में अपने सारे अडेनियम लगा रखे हैं, और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा कॉर्डेक्स सब में बन रहा है। अडेनियम के लिए अगर ज़्यादा पानी डालना तो ये बहुत हार्मफुल होगा। ज़्यादा पानी नहीं पड़ना चाहिए इसमें। सर्दियों में मैं एक बार हफ्ते में पानी डालती हूँ, और गर्मियों में अल्टरनेट डेज में पानी डालती हूँ, क्योंकि अडेनियम के कॉर्डेक्स में ऑलरेडी पानी होता है। ओवर वाटरिंग से अडेनियम का कॉर्डेक्स गल जाता है। अडेनियम के पौधे में जहाँ पर जड़ के पास प्लांट ख़राब हो जाए वो हिस्सा निकाल देना चाहिए। अगर वो हिस्सा नहीं निकालते हैं तो पूरा का पूरा प्लांट ख़राब हो जाता है। इस प्लांट को लगाने के लिए 50% सॉयल, 25% रिवर सैंड और 25% मैं गोबर की खाद को मिलाकर पौधे लगाती हूँ। इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। पॉट को ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे किसी भी पॉट में आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता है, और पानी अगर निकल जाएगा तो फंगस के अटैक का भी डर नहीं होता है। एक मेरा प्लांट देखिए, ये फंगस लग गया है। इसको मैं दोबारा किस तरह से रिपोर्ट कर रही हूँ। इस प्लांट को मैंने 4 दिन पहले निकाल दिया था, और जिसमें फंगस वाला पोर्शन था उसको मैंने निकाल दिया है, चाकू से कट करके निकाल दिया है। और 4 दिन के बाद ये पूरी तरह से यहाँ से सूख गया है। अब मैं इसको आपको लगा के रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ। इस मिट्टी में रिवर सैंड है, गोबर की खाद है और मिट्टी है, और इसको मैं अब देखिए इस तरह से लगा रही हूँ। इसकी जड़ें खाली इतनी अंदर जाएंगी, बाकी मैं इस तरह से करके मैंने इसको अच्छे से रिपोर्ट कर दिया। अब ये मेरा पौधा फिर से बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, और इसको अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, और पानी डालने के बाद फिर इसमें 2 दिन के बाद मैं वाटरिंग करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।